कोरे विंटर रिएक्शन। देखो अगर कोरे विंटर रिएक्शन की बात करें तो सीएसआई नेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप रिसेंटली देखोगे तो दिसंबर 2019 की अगर बात करें अपन, दिसंबर 2019, तो आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है नेट के अंदर। तो आप देख सकते हो कोरे विंटर रिएक्शन से लेटेस्ट ही क्वेश्चन आया है, ज्यादा पुराना नहीं है, है ना। इस हिसाब से देखा जाए तो नियर फ्यूचर में आपको दोबारा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मतलब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर अपन कोरे विंटर रिएक्शन के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं कि कोरे विंटर रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो देखो अगर कोरे विंटर रिएक्शन की अगर बात करें तो कोरे विंटर रिएक्शन में हम रिएक्टेंट लेते हैं जैसे 1,2-सिंडायोल, क्या लेते हैं 1,2-सिंडायोल, और प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है एल्किन। मतलब मैं बेसिक आपको बताऊं यहाँ पर, तो आपका रिएक्टेंट तो हो गया यहाँ पर 1,2-सिंडायोल, 1,2-सिंडायोल। ये मैं एक एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये यहाँ पर अपन ने ले लिया ये 1,2-सिंडायोल, ठीक है। प्रोडक्ट यहाँ पर जो बनेगा भाई, प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा वो एल्किन बन जाएगा यहाँ पर, ये एल्किन बन गया ये। अब ये एल्किन जो है यहाँ पर जरूरी नहीं ये सिस ही एल्किन हो, है ना। ये एल्किन यहाँ पर ट्रांस भी हो सकती है, सिस भी हो सकती है ना। ये तो डिपेंड करता है आपने यहाँ पर रिएक्टेंट किस प्रकार का लिया है, लेकिन फाइनली प्रोडक्ट एल्किन बनेगा। अब इसके लिए कंडीशन अपन क्या लेते हैं, इसके लिए जो कंडीशन अपन यहाँ पर लेते हैं तो कंडीशन यहाँ पर अपन ने ले लिया जैसे थायोकोजिन, ये यहाँ पर हमने ले लिया। अच्छा थायोपोजिन यहाँ पर लिया है, लेकिन यहाँ पर जो सीएल है ना, जरूरी नहीं यहाँ पर सीएल ही हो, इन सीएल की जगह पर कोई दूसरा लिविंग ग्रुप भी हो सकता है अदर, तब भी सेम रिएक्शन होगी। इसके अलावा यहाँ पर अपन कोई फॉस्फोरस कंपाउंड लेते हैं, फॉस्फोरस कंपाउंड यहाँ पर जैसे मैंने PR3 ले लिया, या जरूरी नहीं PR3 वो अदर दूसरा कोई फॉस्फोरस कंपाउंड हो सकता है। कुल मिलाकर फॉस्फोरस कंपाउंड जो भी आप लोगे ना, उसमें इस पर एक लोन पेयर होना चाहिए, इस R की जगह पर कोई दूसरा ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कंडीशन है आपको कोरे विंटर रिएक्शन में, ये कंडीशन ध्यान रखना है, प्रोडक्ट आप बना दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ गया। अब देखो यहां पर समझ लेते हैं सबसे पहले कि रिएक्शन हुई कैसे होगी, इसकी मैकेनिज्म एक्चुअली क्या होगी। चलो इसको बिल्कुल शॉर्ट में अपन करने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा समय आपका यहां पर मैं ना लूं, जल्दी से आप समझ पाओ। देखो एक्चुअली होता क्या है, देखो मैं थोड़ा सा यहां पर अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है भाई, है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले इसका अटैक यहां पर करेंगे, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, टूट जाएगा। तो यही से मैं शुरुआत कर रहा हूं इसकी। देखो ध्यान देना, जैसे ये यहां पर अपन ने कर दिया ऑक्सीजन, यहां पर भी हमने कर दिया ये OH, और यहां पर ये हाइड्रोजन इस पर है ही सही, ऑलरेडी प्रेजेंट है ही सही भाई। इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इससे हो गई यहां पर, इस कार्बन से, और यहां पर ये हो गया सल्फर पर माइनस, और यहां पर ये Cl है ही सही, और एक Cl यहां पर ये हमने जोड़ दिया, ये हो गया। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक्चुअली होगा क्या, यहां पर आपको अच्छी तरह से पता है कि यहां पर जैसे ही ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कार्बन से होगी तो इस पर प्लस आएगा, आएगा नहीं आएगा, प्लस आएगा ना, प्लस आते एसिड बेस रिएक्शन के द्वारा ये हाइड्रोजन जो है ना वो यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब हाइड्रोजन यहां पर जैसे ही ट्रांसफर होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो ये H यहां पर जाते क्या होगा भाई, यहां का तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, और इसकी जगह ये हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा भाई, ठीक है ना। और ये एच यहां चला गया तो यहां पर क्या होगा, ये गया यहां से तो यहां का पॉजिटिव हट जाएगा, ये यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां पर एक्चुअली क्या है, यहां पर एक्चुअली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सल्फर पर, यहां पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, तो ये यहां से डीलोकलाइज होगा, यहां से सीएल लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा। अच्छा आपके दिमाग में यहां पर ये आ सकता है कि लोन पेयर यही क्यों डीलोकलाइज हुआ, ये भी तो हो सकते थे ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ऑक्सीजन और सल्फर को आप कंपेयर करोगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये अपने लोन पेयर को इजीली नहीं देता, इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी कम हो जाती है। ऐसे केस में ये लोन पेयर सल्फर के इजीली आ जाएंगे, इधर के नहीं आएंगे, इसलिए इसको यहां से अपन हटा देते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया। तो फाइनली यहां पर क्या होगा, देखो समझने की कोशिश करना, यहां पर तो एक्चुअली क्या होगा, यहां जिसको हटा दिया यहां पर तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये यहां पर हो गया डबल बॉन्ड, है ना। तो यहां पर प्लस आएगा नहीं आएगा भाई, आ जाएगा, डबल बॉन्ड बनते, ये सीएल माइनस यहां से बाहर निकल गया, तो इसको यहां से बाहर निकाल देते अपन। और जैसे यहां पर प्लस आएगा तो यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा ये, और हाइड्रोजन हटते ही सल्फर का भी प्लस यहां से क्या होगा, गायब होगा। कुल मिलाकर ऐसा हो जाएगा यहां पर। मेरे हिसाब से ये स्टेप पूरा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आगे की बात करें तो बिल्कुल सेम प्रोसेस अब दोबारा होगा। देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं यहां पर,
यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो सेम प्रोसेस दोबारा होगा, तो कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं। जैसे बॉन्डिंग ऊपर यहाँ पर हुई है बिल्कुल वैसे ही बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ से भी सीएल चला जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, ऑक्सीजन और इसके बीच डायरेक्ट बॉन्डिंग बन जाएगी। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले ये बना देते हैं, देखो ये यहाँ पर ऑक्सीजन, ये यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, और यहाँ पर ये सी डबल बॉन्ड एस है, इसे ये सी डबल बॉन्ड एस, और इन दोनों की यहाँ पर हमने बॉन्डिंग बना दी। देखो ये इस स्टेप का प्रोडक्ट है, मतलब जो पहला स्टेप हुआ है इसके साथ वो यहाँ पर हो गया। लिविंग ग्रुप फिर बता रहा हूँ, या सीएल की जगह कोई दूसरा लिविंग ग्रुप भी हो सकता है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, फॉस्फोरस कंपाउंड। अब फॉस्फोरस कंपाउंड है तो किसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं, है ना। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको यह पता है कि यहाँ पर क्या एक्चुअली सी डबल बॉन्ड एस है, सी डबल बॉन्ड एस है तो डबल बॉन्ड आ रहा है ना। देखो जब डबल बॉन्ड आता है तो अपन क्या कहते हैं उसमें, यू समझ लो आप, देखो यहाँ पर सिग्मा पाई एन पाई स्टार सिग्मा स्टार होता है ना, यहाँ पर देखो सिग्मा पाई एन पाई स्टार और सिग्मा स्टार है एस। तो आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहते हैं ये, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के होने की वजह से ये इजीली अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को देगा। दूसरी बात क्या है कि ये जो सी डबल बॉन्ड एस है तो इसके पास पाई बॉन्डिंग भी होगा और पाई एंटी बॉन्डिंग भी होगा। पाई एंटी बॉन्डिंग है तो कुल मिलाकर वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन किसमें ट्रांसफर करेगा, किसमें, देखो इसका तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर काम में आया है और इसका पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर काम में आया है यहां पर। ये पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसका है भाई, ये पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सी डबल बॉन्ड एस का है। अब देखो आपको ये अच्छी तरह से पता होगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन पेयर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है तो बॉन्ड ब्रेक होता है, और जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग होगा, पाई बॉन्डिंग तो भरा हुआ होगा ना भाई, बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब खाली कौन सा होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर पाई एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है तो ये बॉन्ड यहां से यहां पर ब्रेक हो जाएगा। अब देखो जैसे ही ये बॉन्ड यहां पर ब्रेक होगा तो यहां पर एक्चुअली क्या होगा, यहां पर एक्चुअली क्या होगा, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर हो गया एस, एस की बॉन्डिंग किससे होगी, इससे, तो यहाँ पर हो जाएगा पी आर थ्री, ये पी आर थ्री, ये प्लस, समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या हो गया माइनस। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना एक्चुअली क्या होगा, देखो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये यहाँ से यहाँ पर निकल सकता है। अब जैसे ये यहाँ से बाहर निकलेगा, बाहर निकलते यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर एक्चुअली ये हो गया, ये यहाँ पर ये हो गया और ये यहाँ पर एक कार्बिन का फॉर्मेशन हो गया, कार्बिन, और यहां से क्या निकल गया, माइनस एस डबल बॉन्ड पी आर थ्री, पी आर थ्री। देखो सीधी सीधी बात है, ये यहां से सल्फर उठा दो और यहां से ये फॉस्फोरस कंपाउंड उठा दो, इस सल्फर को फॉस्फोरस कंपाउंड के साथ जोड़ दो, ये यहां से बाहर निकल जाता है, ये कार्बिन इंटरमीडिएट बनाए तो ये यहां से डिकम्पोज होकर एल्किन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा जब ये डिकम्पोज होगा तो यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ बनेगा, यहां भी सी डबल बॉन्ड ओ बनेगा, मतलब सीओ टू बाहर निकल जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरह से। तो सीधी सीधी बात है, अगर मान लो आपको कोरेव इंटर रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना है तो आप देख लो, सबसे पहले तो सिंडायोल होनी चाहिए, है ना, ये जो सिंडायोल है, सिंडायोल है, उसकी रिएक्शन जब आप इससे कराओगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक फाइव मेंबर्ड कंपाउंड बन जाएगा। डायरेक्ट आप बना सकते हो, आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ से इस लिविंग ग्रुप कोटा है, लिविंग ग्रुप कोटा है, यहाँ से एच कोटा है, एच कोटा है, इन दोनों ऑक्सीजन को कार्बन के साथ जोड़ो, ये बन जाएगा। फिर जब इसकी रिएक्शन फॉस्फोरस कंपाउंड से होगी, फॉस्फोरस कंपाउंड से होने के बाद यहाँ पर कार्बन इंटरमीडिएट बनेगा जो डिकम्पोज होकर एल्किन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सीधा सीधा यहाँ पर होगा। तो अब देखो ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, जैसे मान लो यहाँ पर अपन ने ये लिया, ये भी जो यहाँ पर बताया मैंने, ये यहाँ पर ले लिया अपन ने ये, और कंडीशन वही जो आपको बताई थी अभी, पहली और दूसरी कंडीशन दोनों सेम ले ली, एक कंडीशन है या दूसरी ये ले ले, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इसको हटाओ और बीच में बॉन्ड बना दो, ये प्रोडक्ट बन गया इसका, है ना। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पर ये ले लिया भाई, ये यहाँ पर ये वेज, ठीक है, ओएच, और यहाँ पर भी वेज पर हमने ओएच ले लिया, तो ये भी सिंडायोल है, सिंडायोल है या नहीं है? देखो
ये OH बोर्ड के ऊपर है या OHB बोर्ड के ऊपर है, अब सेम कंडीशन यहाँ पर हमने ले ली, आपको कुछ भी निकलना, यहाँ से इसको हटा दो, यहाँ से इसको हटा दो, बीच में डबल बॉन्ड बना दो, तो ऐसे केस में एक्चुअली यहाँ पर प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया है, तो यहाँ पर कौन सी ट्रांस एल्किन बन गए। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि एल्किन यहाँ पर सिस भी बन सकती है, ट्रांस भी बन सकती है, इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, कंडीशंस को देखकर समझना है। अब अपन अपने मेन क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया ये क्वेश्चन नेट का क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में आया था, इसका अपन को प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट क्या है देखो ध्यान देना, द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बाई प्रोडक्ट बी फॉर्मड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो सबसे पहले बात तो यहां पर यह है कि आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरा खुद सोल्व करके देखो, उसके बाद फिर आगे चलना, फिर देखना आपने जो सॉल्यूशन किया है वो सही है या नहीं है। देखो प्रोडक्ट बनाने का तरीका तो मैंने बता दिया आपको, देखो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ऐसे और इससे दो लिविंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये दोनों क्या है लिविंग ग्रुप है। अब आपको यहाँ पर देखो सबसे पहले तो क्या बनाना है इसका मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट मतलब फाइनल प्रोडक्ट, तो तरीका मैंने क्या बताया देखो, ये तो क्या सी डबल बॉन्ड एस, ये लिविंग ग्रुप और ये फॉस्फोरस कंपाउंड हो गया। फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना है, इसको टाओ और बीच में क्या जोड़ना है आपको डबल बॉन्ड। तो देखो सीधी सीधी बात है, जब बीच में डबल बॉन्ड जोड़ोगे ऐसे, तो ऐसे केस में देखो ये अपोजिट जा रहा है, ये अपोजिट जा रहा है, मतलब ट्रांस एल्किन का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ये सिस है, सिस वाला बनेगा ही नहीं, सी ऑप्शन गया। यहाँ पर भी सिस है, सिस वाला बनेगा ही नहीं, डी ऑप्शन पे गया। देखो यहाँ पर ये ट्रांस दे रखा है, ये बन सकता है, ये भी ट्रांस दे रखा है, ये बन सकता है, मतलब दो ऑप्शन तो देखो कट चुके हैं हमारे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जब बॉन्ड लगाओगे ऑलरेडी सिस है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि दो ऑप्शन कट गए, दो बचे। अब इसके अलावा प्रोडक्ट और कौन सा बनेगा, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपको तरीका बताया था कि ये सल्फर और इस फॉस्फोरस कंपाउंड को मिला दो, एक ये भी बनेगा, ये इनको मिला दो, देखो यहां से इनको मिलाओगे तो क्या होगा, देखो एस डबल बॉन्ड पी ओ एम ई थ्री, ठीक है। तो यहां पर देखो इसमें एस डबल बॉन्ड पी ओ एम ई थ्री मतलब ये बनेगा, जबकि इसमें देखो इसमें तो अलग ही दे रखा है, यहाँ पर O डबल बॉन्ड P दे रखा है, ये बनेगा ही नहीं, मतलब B ऑप्शन भी गया, इसका मतलब आपका आंसर ये ऑप्शन होगा। एक बात और समझना, देखो ध्यान देना, जब कार्बन इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पर देखो आप ये कार्बन इंटरमीडिएट जब डिकम्पोज होता है तो CO2 बाहर निकलती है यहाँ पर, तो देखो यही चीज यहाँ पर भी देखो आप, कार्बन इंटरमीडिएट इसमें भी बनेगा, डिकम्पोज होगा तो CO2 बाहर निकलेगी, इसमें CO2 दे रखा है, इसका मतलब यही होगा, ये नहीं होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। तो देखिए इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पूरी मैकेनिज्म लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, और पूरी मैकेनिज्म लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले क्या करना है, ए चटाओ यहाँ के दोनों लिविंग ग्रुप को हटाओ और इस कार्बन डबल बॉन्ड एस को डायरेक्ट दोनों ऑक्सीजन से जोड़ दो, 5-मेंबर रिंग बना दो। फिर उसके बाद क्या करना है, फॉस्फोरस कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते कार्बन इंटरमीडिएट बनेगा, डिकम्पोज होकर फाइनल प्रोडक्ट बना देगा, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, वही वीडियो को पॉज करके आप खुद सोल्व करके देखना भाई, सबसे पहले ए और बी क्या बनेगा वो देखना है। तो यहां पर देखो ध्यान देना, सिन डायल आपको यहां पर दिख रही होगी ये। अब सबसे पहले तो क्या है कि यहां पर इसकी रिएक्शन करानी है ना, किससे, इससे। तो सबसे पहले तो क्या होगा भाई, आप यहां से इस लिविंग ग्रुप को हटाओ, यहां से एच को हटाओ और इनको मिलाकर 5-मेंबर्ड रिंग बना दो सबसे पहले। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, सिन डायोल है ना, तो देखो यहां पर ये ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन आ रहा है, सी डबल बॉन्ड एस, ये सी डबल बॉन्ड एस आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, आप देख सकते हो, मतलब ये होगा है ना। अब तो इसमें तो रिंग ही नहीं गया काम से, इसमें भी नहीं है इस तरह से कुछ भी, ये भी गया है ना। इसकी बात करें तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं, ये भी गया, मतलब इसका मतलब देखो तीन ऑप्शन तो आपके यही पर कट चुके हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व भी नहीं किया पूरा भी, इसका मतलब आंसर ए होगा, तीन ऑप्शन कट गए तो बचा वो ही आंसर होगा ना। अब यहां पर आगे का भी देख लेते, देखो ये तो हमारा ए बन गया। अब यहां पर फॉस्फोरस कंपाउंड बता रखा है, देखो फॉस्फोरस कंपाउंड पे ये लोन पेयर है, तो सबसे पहले क्या होगा, वो इस लोन पेयर से यहां पर अटैक होगा, यहाँ पर अटैक होगा तो बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आते देखो ध्यान देना ये यहाँ से लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकलते, यहाँ पर कार्बन इंटरमीडिएट बनेगा, जब ये डिकम्पोज होगा इस तरह से ऐसे डिकम्पोज होगा तो फाइनल यहाँ पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में देख सकते हो इस पूरे को हटाया और यहाँ पर डबल बॉन्ड जोड़ रखा है, ये मतलब ये, तो इसका मतलब ये भी एकदम सही होगा।
तो सीधी सीधी बात है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अब मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी मैकेनिज्म लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। देखो तरीका आपको पता चल गया होगा, अब क्वेश्चन आपकी मर्जी पड़े जितने अलग अलग आप सोल्व करके देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। आपको हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ कर क्वेश्चन को जरूर सोल्व करना है, ताकि आपके सब कुछ यहाँ पर क्लियर रहे और एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो उसको आप सॉल्व कर सकें।